वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और वेलकम टू बैक माई न्यू व्लॉग। और ये है मेरा प्यारा सा बहुत एक्साइटिंग व्लॉग। और प्लीज़ आप लोग भी कंटिन्यू देखना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आज है बहुत स्पेशल 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 डे। और मैंने आज इतना लंबा व्लॉग शूट किया ना कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मुझे अब तो सिर्फ 4000 आवर्स जो मुझे मतलब टारगेट मिला ना वो कंप्लीट करना है। तो लिटरली मैंने एक चीज़ को मतलब बहुत अच्छे से शूट किया है। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, कंटिन्यू देखना, फिर देखना आपको मज़ा बहुत आएगा। आज प्यारी थी सुबह और सुबह स्टार्ट हुई आज चाय के साथ, पर मैंने चाय की आज वीडियो नहीं बनाई क्योंकि थोड़ा सा बिजी थी मैं उस टाइम पे, तो मैं भूल गई। तो चाय पीने के बाद आज मुझे जाना था यहाँ पर देहरादून में सबसे फेमस होता है, हर साल लगता है झंडे का मेला, और वो इतना अच्छा लगता है ना मुझे, मतलब वहाँ जाने का मेरा बहुत 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 मतलब मुझे पसंद है वहाँ जाना। तो मैं एक बार तो जा चुकी थी पर उस दिन मैंने शूट ही नहीं किया था क्योंकि उस दिन पता नहीं कुछ काम था, जलती थी बहुत ज़्यादा, तो मैं उस दिन शूट नहीं किया था। पर आज मैंने पूरे मेले का वीडियो बनाया और आप कंटिन्यू देखना, स्किप बिल्कुल मत करना, फिर देखना कितना मज़ा आएगा। और मम्मी बार बार मुझे मेले में कह रही थी वीडियो मत बना, तेरा फ़ोन कहीं चोरी ना हो जाए, चोर ना ले जा ले। पर मैंने ना मतलब फ़ोन को बहुत टाइटली मतलब पकड़ा हुआ था कि मतलब कोई चुराए ना मेरा फ़ोन, पर मैंने फ़ोन का बहुत ध्यान रखा और वीडियो भी बहुत अच्छे से शूट की। तो यहाँ से मैंने शॉपिंग स्टार्ट कर दी। मैंने यहाँ पर एक छोटे छोटे से फ्लावर्स थे, वो पता नहीं 100 में 4 इतने प्यारे मिले ना, इतने प्यार इतने बहुत अच्छे मिले, उसके मैंने आते ही सजाया फिर। और यहाँ से मैंने शॉपिंग स्टार्ट कर दी और जो भी शॉपिंग का सामान है ना वो आपको दिखाऊंगी। और आज हमने बहुत सारी शॉपिंग करनी थी क्योंकि ईद की शॉपिंग हमने अभी मतलब कर ली, क्योंकि फिर ईद के टाइम पे कपड़े बहुत महंगे हो जाते हैं ना, तो हमने आज ही सारा सामान लिया था। तो फिर व्लॉग को आप कंटिन्यू देखो, स्किप मत करना, देखना बहुत एक्साइटिंग से है, मतलब मज़ा आएगा देखने में। लो बंद करो, बंद कर दो। बस और भैया, अरे अगरदान, अगरदान मतलब अच्छा, तो अगरदान अपने अच्छा लग रहा ना। ये भी 80 के 6 लगा लो, वो लगा लो 1 बात तो है, मेला जितनी बार भी जाऊँगा मतलब ऐसा होता है कि हम तो ये भी ले ले, मतलब ऐसा होता है मन भरता ही नहीं है ना, जितना भी सामान ले लो। मैं इस साल मेले का झंडे का मेला 2 बार गई और दोनों बार ऐसा हुआ ना मैं क्या क्या ले लूँ। पर हमने घर के सामान का तो मुझे बहुत शौक है, मतलब मुझे मेरा मन करता है मैं अपने घर को ना, अपने किचन को स्पेशली, मुझे किचन के सामान का बहुत ज़्यादा शौक है। मैं मेकअप वगैरह का सामान लेना मतलब लेती हूँ, वो ऑनलाइन देख लेती हूँ मैं, पर घर का सामान लेना मुझे बहुत पसंद है, तो मैं ज़्यादातर वही मैंने शॉपिंग करी है। और नाप लिया ढंग से ले लिया, एक बार नाप फिर पड़ा रहेगा।
और फिर इस तरह से मिला, मतलब हमने पूरा अच्छे से घूम लिया, बहुत सारी शॉपिंग भी करी। और इस साल में मतलब मैं सेकंड टाइम मिला गई, और अब मैं ही जाऊँगी सेकंड और लास्ट टाइम, क्योंकि बहुत सामान ले ही लिया है। और फिर हमने यहाँ से ली अपनी शॉप के लिए थोड़ा नवरात्रि का सामान, और फाइनली हम आ गए ईद की शॉपिंग के लिए। और ईद की शॉपिंग हमारी पूरी हो चुकी है, और जो मैंने जो ड्रेस लिया ना वो मैं आपको ईद वाले दिन दिखाऊंगी कैसी है। देखिए अभी दिखा दूंगी ना तो फिर एक मतलब मज़ा नहीं आएगा, आप देखना। फिर ईद वाले दिन एक सूट मैंने लिया और एक मम्मी ने लिया, और इतने रीज़नेबल प्राइस में लगाया ना उन्होंने बहुत। मैंने सेकंड टाइम यहाँ से शॉपिंग करी, और फिर मम्मी गई थी साथ में, उन्होंने हमें वो जो ड्रेस मुझे पसंद आई थी वो उन्होंने बताई थी शायद 4800 की, पर मम्मी ने फिर बार्गेनिंग करी और अच्छे में दे दिया या उन्होंने हमें दोनों सूट। और फिर हम वहाँ से आए, आज हमारा इतना पोपट हुआ ना, आप लोग सुनोगे कसम से हंसोगे यार। हम मतलब एक रेस्टोरेंट में गए, वो ना न्यू खुला था, तो मम्मी ने कहा चल यहीं चलते हैं।
और वहाँ हम गए तो हम लोगों ने यही सोचा हुआ था, हद से हद यार 200 रुपये की चाट होगी या 150 की होगी। हम लोगों ने 3 चाट ऑर्डर करी और जब खाने के बाद उस चाट को, मतलब अब क्या बोलते हैं, टेस्ट तो उसका ठीक ही ठीक था, पर जिस टाइम वो बिल लेके आया ना हमारे सामने, मैं तो सोचती रह गई यार, एक प्लेट चाट मतलब 105 रुपये की चाट, उसको 315 चार्ज किए। हम लोगों ने पैसा दिया और आगे मेरी मम्मी से कहा, मैंने कहा आज के बाद इस शॉप पे कभी नहीं जाना है, इतनी महंगी चाट, ऐसा पोपट हुआ हम लोगों का। खैर हम वहाँ से फिर बहुत सारा सामान हो गया था, हमने सब्ज़ियाँ वगैरह सब खरीदी। इतना सारा सामान लेने के बाद तो विक्रम का वेट करना मतलब पॉसिबल नहीं था। फिर हमने ऑटो वहाँ से किया और ऑटो करने के बाद तो बस स्टार्ट हो गया हमारा घर जाने का सफ़र। और आज का दिन इतना अच्छा गया ना कि मैं बता नहीं सकती, मतलब बहुत मज़ा आया। और शॉपिंग भी इतनी पूरी फाइनली हो गई है, बस एक चीज़ है कि मैंने ना, मतलब शायद वो ज्वेलरी वगैरह जो मैंने देखी थी वो मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गई। पर अब कोई नहीं, अब एक दो दिन बाद जाना है ना डॉक्टर के पास, वो गले वाले ट्रीटमेंट जो मेरा भी चल ही रहा है, तो मैं उसी दिन फिर शॉपिंग कर लूँगी पूरी। और आज इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया बहुत। बस वो चाट वाला जो सीन था ना, वो मतलब मैं पूरे रास्ते सोचती ही आई कि यार उसने इतनी महंगी चाट दी मुझे, 315 की चाट। हम मम्मी कह रही उससे अच्छा हम कुछ खाना खाते। और चाट है, ये एक्सपीरियंस मिल गया कि जब भी मतलब जाओ तो पहले उनका ना मतलब देखते ही देख लो, क्या पता कभी ऐसा भी हो सके। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं प्यारे प्यारे, अगर वो यहाँ तक मेरा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ अगर पसंद आए करें ना तो मेरी वीडियो शेयर एंड लाइक ज़रूर करा करो और सब्सक्राइब जो करवा दिया करो मतलब, है ना। और मुझे जो है अभी पूरे 4000 टाइम आवर्स, वो नहीं वॉच आवर्स, आई थिंक कंप्लीट करने हैं, और होप कि वो जल्दी से हो जाए। कुछ तो कंप्लीट कर लिया है मैंने, बस थोड़ा सा और बाकी है, करते रहेंगे धीरे धीरे, ब्लॉग बनाती रहूँगी, देखा जाएगा। 4000 आवर्स वैसे बहुत सारे होते हैं, पर कोई नहीं। तो ऐसा रहा आज का दिन। और
इशिका ये रही सतीश वीडियो की वीडियो में तूने सीट के साथ वॉश करी थी अच्छी लग रही ना दीदी कलीरे से अच्छे लग रहे हैं इसके ऐसे बना हो ऐसे आई हाँ कितनी प्यारी आ रही है दीदी हाँ बंद करो और फिर बस घर पे आए हम जैसे घर पे पहुँचे सारा मैंने सामान पूरा अच्छे से सेट किया और थकान इतनी हो गई ना लिटरली मतलब मेरे पैर ना ऐसे दर्द हो रहे थे पर फिर भी मतलब सामान तो रखना ही था क्योंकि बस फिर जल्दी से सामान सेट करने के बाद थोड़ा सा मतलब जो फैला हुआ था उसको भी मैंने अच्छे से रखा और ये जो फ्लावर्स थे ये मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल पे उसी के लिए लिए थे स्पेशली और एक किचन के लिए लिया था तो किचन वाला जो फ्लावर पॉट था वो मैंने वहाँ पर रख दिया किचन में और ये वाले अपने ड्रेसिंग टेबल पे सजा दिया और इतने प्यारे से लग रहे थे ये और ये मैंने जो पिलो कवर दिया ना ये दिखाया ये इतने अच्छे मिल गए मतलब तो मेरा गला बैठा हुआ है ये मुझे मिला 50 का एक मिला तो मैंने 4 पिलो कवर लिए और इतनी प्यारे से आए ये चेन वाले बड़े अच्छे से तो मैंने इसको देखते ही पसंद कर लिया था मैंने तो ऐसे इसके 4 मैंने पिलो कवर लिए और फिर बस भूख भी लग रही थी क्योंकि चाट से तो पेट नहीं भरा था तो मैंने सोचा कि कुछ अच्छा सा बनाते हैं चटपटा सा तो फिर मैंने थोड़ी सी पकौड़ियाँ बनाई और चाय रखी थी बस चाय से पी ली तो आज का दिन तो कंप्लीट हो गया और बहुत अच्छा सा था दिन ऐसा रहा फिर आज का मेरा पूरा दिन आई होप कि आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना आज के लिए इतना ही कल को फिर मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में गुड नाइट बाय बाय टेक केयर